Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
Thank you.
Yeah, I'm
I'm not afraid.
और बड़े धूमधाम से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकलती थी, बड़े अच्छे तरह से वहाँ पर मनाया जाता था। लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल से बंद हो गया। इसी साल भी वो करीब शहर के अंदर में पड़ता है, इसलिए उन लोगों ने मनाया नहीं। इसलिए ये बड़ौदा में मैंने सोचा इस साल हम बड़ौदा में ही ये श्रीमद् भागवत कथा को बड़ौदा में ही हम करते हैं। इसलिए कोशिश करेंगे, हमारी रथ यात्रा भी 2 साल से नहीं निकली, इस साल हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है, सब बड़े संतों को लेकर के मीटिंग हुई, उन्होंने आदेश दिया बड़े जोर तोर से जन्माष्टमी को मनाया जाए, बड़े अच्छे तरह से मनाया जाए। इस बार कोशिश करेंगे हो सके तो श्री जगन्नाथ जी की जैसे रथ यात्रा निकलती थी होगा, तो उसको भी कोशिश करेंगे रथ यात्रा निकालने के लिए। और ये जो श्रीमद् भागवत कथा हमारे श्री बधाई ने महाराज बंसी बदन प्रभु कितना साल पहले किया था, 2 साल पहले किया था, 3 साल पहले उन्होंने की थी। इस बार भी मैंने बताया था उनको, लेकिन जगन्नाथपुरी में मंदिर बन रहा है गुरु जी की समाधि, इसलिए उसमें बिजी है, इसलिए वो नहीं आ पाए। इसलिए मैंने सोचा मैं ही इस बार यहाँ पर कथा कर लेता हूँ। इसलिए ये जन्माष्टमी को उपलक्ष्य करके ही हम ये कथा को कर रहे हैं। कारण ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, कदि ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है क्या चीज, कदि ये श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है ये स्वयं कृष्ण ही है। इसलिए हम कृष्ण की जन्मोत्सव को उपलक्ष्य में कर रहे हैं, और ये कृष्ण का ही ये ग्रंथ है, कृष्ण स्वरूप ये ग्रंथ है। इसलिए पद्म पुराण में बताए बोले तेन अयं वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षे वर्तते हरि। जब भगवान कृष्ण ये जगत छोड़ करके जा रहे थे, वहां पर श्री उद्धव भी थे। उद्धव जी बोले प्रभु आप तो ये दुनिया छोड़ करके जा रहे हो, हम तो सारा जीवन इकट्ठे रहे, अभी मैं किसका आश्रय ग्रहण करूं। कृष्ण स्वयं कहते हैं उद्धव एक स्वरूप में तो जा रहा हूं, लेकिन कलयुग में जीव की कल्याण करने के लिए मैंने दूसरे स्वरूप में रह भी रहा। बोले प्रभु आप कलयुग में किस रूप में रहोगे, कृष्ण खुद कहते हैं बोले कृष्ण स्वधाम उपगति धर्म ज्ञानादिवेश कलौ नष्टादृशामेश पुराण अर्पधुनात्। भगवान कृष्ण जब जगत छोड़कर चले गए, ये घोर कलयुग आ गया। जैसे सूरज उदय होने पर सारे अंधकार दूर हो जाता है, इसलिए कृष्ण स्वयं ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में प्रकट हुए। अब प्रकट होने पर ये जो अज्ञान कली और जो माया है ये अपने आप ये दूर हो गया है। इसलिए कलयुग में जो व्यक्ति ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे, कृष्ण खुद कहते हैं ये भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना ये कोई अलग नहीं। जो व्यक्ति भागवत कथा सुन रहे हैं साक्षात श्री भगवान कृष्ण से ही आप मिल रहे हो, भगवान से साक्षात्कार हो रही है। इसलिए ये भागवत की बड़ी महिमा, और बड़ों तो लोकवासी तो बड़े भाग्यवान है, क्योंकि हर साल एक एक बार नहीं तो कभी कभी दो दो बार भागवत कथा हो जाती है, ये दो दो बार भागवत कथा हो जाती है। लेकिन ये भागवत कथा हम सुनते हैं ना, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस अतः पिबंतु सद्भाग्य। सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी सौभाग्य में भी ये भागवत कथा सुनने को नहीं मिलती है। इसलिए हम आगे सुनेंगे, जब सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाने जा रहे थे ये 33 करोड़ देवता प्रकट हो गए, खाली हाथों से नहीं, अमृत कलश लेकर के आए। बोले पूरा का पूरा अमृत कलश ले लो, इसका विनिमय में हमें कथा सुना दो। लेकिन कहते तथा देवा जहा ससा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बोले बोले मूर्ख देवताओं तुम लोग अपना मतलब को ही हासिल करना जानते हो, बड़े स्वार्थी हो, जब काम पड़ जाए ना बड़े हाथ हैं खूब ताकत मेहनत करेंगे, जब
काम करने जाए फिर तो पूछेंगे नहीं। इसलिए भगवान की जब जब कृष्ण की जरूरत तो ब्राह्मण को पूजा की, लेकिन जब कृष्ण एक पारिजात वृक्ष लेने के लिए गए, इंद्र स्वयं लड़पड़े भगवान से, बोले तुम लोग बड़े स्वार्थी, केवल अपना मतलब को हासिल करना जानते हो, उनको वहां से भगा दिया, वहां से बोले कथा नहीं सुन सकते हो तुम लोग। इसका तात्पर्य यह है जो कलयुग में ये भागवत कथा सुनते हैं, कहते हम लोग देवता से भी ज्यादा हम सौभाग्यवान जो कि हम कलयुग में इस श्रीमद् भागवत कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। इसलिए इधर आ देखो, इसलिए कहते हैं बोले ये कथा कहते ये स्वर्ग लोक में भी आसन दे देखो, इसलिए कहते ये स्वर्ग लोक में भी ये कथा नहीं, कहते ये कथा सत्य लोक में भी कथा नहीं, बोले सत्य लोक की बात छोड़ दो, बोले ये कैलाश में भी कथा नहीं। अगर कथा सुनना हो शंकर पार्वती जी कैलाश छोड़कर कहाँ आते हैं, कहते इसी मर्त्य जगत में ही आते हैं, बोले वहां की बात छोड़ दो, कहते ये भागवत कथा, भगवत कथा वैकुंठ नास्ते अमरस, कहते रस वैकुंठ लोक में भी ये रस नहीं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अतः पिबंतु सद्भाग्या, इसलिए ये कथा को कौन श्रवण कर सकते हैं, बोले सद्भाग्यवान सुन सकते हैं, बड़े पुण्यात्मा व्यक्ति ही कथा को सुन सकते हैं, साधारण व्यक्ति ये कथा को नहीं सुन सकते हैं। देखो जो कथा को सुनने के लिए देवता स्वर्गलोक को त्याग देते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को त्याग देते हैं, शंकर जी कैलाश लोक को त्याग देते हैं, गरुड़ जी वैकुंठ लोक को त्याग देते हैं, लेकिन देखो ये बड़ौदा वासियों का कितना सौभाग्य है, आप लोगों को कुछ त्याग देना पड़ा, घर बार छोड़ा, घर मकान कुछ भी नहीं छोड़े, ये कथा रूपी गंगा स्वयं वृंदावन से बहते बहते हमारी घर में अपना द्वार पर आ गया, और हम घर में बैठी बैठी करके ही ये कथा रूपी गंगा में हम लोग ने स्नान कर लिया। इसका मतलब हम लोग बहुत सौभाग्यवान हैं। इसलिए ये भागवत कथा की महिमा कहते हैं बोले तमादि देवम करुणा निदानम तमालवर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतम स्वरूपम। कहिए इस श्लोक में भागवत की महिमा को कहते हैं बोले भागवत क्या है, बोले तमादि देवम, मतलब क्या है, जैसे भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण कौन है, ब्रह्मा क्या कहते, बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, जैसे कृष्ण समस्त कारणों का कारण भगवान कृष्ण है, है? अनादि आदि जो अनादि जो कौन है, बोले जो गर्भद गसाई, कहते उनको जो आदि कौन है, कहते श्री मूल शंकर सन, बोले उनका आदि श्री बलदेव प्रभु, कहते उनका आदि कौन, श्री जगन्नाथ, उनका आदि ये जगन्नाथ ये कृष्ण है। जैसे कृष्ण समस्त कारणों का, जैसे कारण भगवान कृष्ण, कहते जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ भी ये भी स्वयं अभिन्न कृष्ण स्वरूप है, कहते ये अभिन्न कृष्ण स्वरूप ये भागवत है, यह अभिन्न कृष्ण स्वरूप होने का नाते भागवत, कहती है भागवत ग्रंथ भी समस्त ग्रंथ का जो मुकुटमणि, समस्त ग्रंथ का जो सार है, कहती ये श्रीमद् भागवत है। इसलिए हमारे श्री गरुड़ पुराण में कहते हैं बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भास रूप वेदार्थ परिवर्तित, बोले ये भागवत क्या है, बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम, कहते ये ब्रह्म सूत्र का जो अर्थ है ये श्रीमद् भागवत है, गायत्री का भाष्य श्रीमद् भागवत, महाभारत का सार श्रीमद् भागवत, और समस्त वेद पुराण उपनिषद का बोले सर्व वेद इतिहासानाम सार सार समुद्रितम, समस्त वेद इतिहास का क्या दे दो, इस माता ने यहाँ को दे दो, समस्त वेद इतिहास
कि जो सार सार है कौन है, कहते ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। इसलिए कहते तत् रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्। अगर जीवन में कोई ये भागवत ग्रंथ का रस कोई पान कर लेना, फिर तो उसको जगत का कोई भी रस उसको सामने फीकी पड़ जाती है, फिर उसको सामने सारे रस ही बेकार हो जाता है। अगर कोई ये भागवत रस को कोई पान कर ले, एक बार जयकार दो, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, कोई जय कोई हे बोल दो। जो जितने जोर से भागवत का जय देगा ना, ये गुरु जी कहते थे हमारे बंगला में कीर्तन है, कहते जय दिले जय हवे जय दाव जय दाव। मतलब है जो जितने जोर से ठाकुर का भागवत का जयकार देते हैं, बोले जय दिले जय हवे, जय किसका होगा, तुम्हारी होगा। जय किसका दोगे, ठाकुर जी को। ठाकुर का जयकार नहीं है, ठाकुर को तो जय जयकार है ही है, लेकिन जब हम जयकार देते हैं किसको, जब जयकार हम देते हैं भगवान की भागवत का, जयकार किसका होता है, कहते अपना जयकार होता है। और उतना पाप हमारी कटेगी और उतना भक्ति उदय होगा। एक बार जोर से बोलो, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, ऐसे लगे ना। इसलिए कहते तमादि देवम, कहते भागवत क्या है कि जैसे भगवान कृष्ण समस्त कर्म का कारण है, कहते भागवत ग्रंथ भी समस्त कर्म का कारण ये भागवत है। इसलिए व्यास देव जी सारे ग्रंथ रचना करने का बावजूद भी उनको शांति नहीं मिली, लेकिन पूर्ण शांति कब मिला, जब भागवत कथा सुना। इसलिए धुंधकार जैसे पापी जिसको 100 बार भी पिंड देने पर मुक्ति नहीं मिली, लेकिन मुक्ति मिलता किससे, मुक्ति मिली भागवत से। अगर कोई प्रेतात्मा को अगर जिंदा चित्ते जी अगर मुक्ति मिल गई, भैया हम तो जिंदे हैं, हम तो जिंदे हैं। इसलिए भागवत कथा सुनने से क्या होगा, बोले जीवन मुक्त। जीवन मुक्त मतलब होता है हम जिंदे रहते रहते भी ये भवसागर से पार हो जाएंगे, जिंदे रहते रहते भी हम संसार से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए बोले तमादि देवम, ये भागवत समस्त ग्रंथों का सार है। बोले तमादि देवम करुणा निदानम, बोले भागवत क्या है, बोले करुणा निदानम, मतलब भागवत ग्रंथ ये बड़े दयालु, ये बड़े कृपालु भागवत ग्रंथ है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले श्रुत अनुपठित ध्यात आदृत अनुमोदित सत्य पुनाति सद्धर्म जानति विश्वद्रोह अपि। बोले श्रुत, अगर कोई भागवत ग्रंथ कोई श्रवण करे, अगर श्रवण नहीं करे अनुपठित, अगर कोई पढ़े, अगर इतना भी नहीं हो सके, बोले आदृत अनुमोदित, कहीं ये भागवत कथा हो रही है, अगर हमने इतनी सी बात केवल बोल दिया, भागवत कथा बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। अगर घर में बोले बहन तू चल जा कथा, मैं घर का काम मैं संभाल देती, जा तू कथा सुनकर जा जा। अगर किसी ने इतना भी बोल दिया, बोले सत्य पुनाति सद्धर्मम, इतना बोलने का साथ साथ में भी साथ सत्य पुनाति, उसी समय में जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, बोले विश्वद्रोह देवद्रोह, देवता को अगर कोई द्रोह किया हुआ होगा, केवल भागवत कथा कहीं हो अनुमोदन करते ही उसी समय में वो व्यक्ति संसार का बंधन से मुक्त होकर के वो व्यक्ति भगवत चरणों को प्राप्त कर लेगा, केवल अनुमोदन करने पर। इतने महिमा ये भागवत की। इसलिए कहती है जो भागवत ग्रंथ है, बोले करुणा निदानम, बड़े दयालु ये भागवत ग्रंथ है। इसलिए सुतो गोस्वामी कहते हैं, बोले धावन स्खलितम नेत्रे न स्खलेत न पतेत यह, अगर ये भागवत ग्रंथ कोई आश्रय ग्रहण कर ले है, बोले जाना स्थाय नर राजा न प्रमाद कही चीज, कहते भागवत को कोई आश्रय ग्रहण करना, कभी जीवन में विपत्ति कभी नहीं आएगी तुम्हारे जीवन में, न स्खलेत न पतेत यह, कहते कभी भी तुम्हारी कभी गिरने का चांस नहीं भागवत कोई आश्रय ग्रहण कर तो। न स्खले मतलब कभी प्यार तुम्हारी कभी फिसलेगा भी नहीं, फिसलेगा तभी तो जाकर गिरोगे ना, कहते कभी भी तुम्हारी प्यार कभी फिसलेगा नहीं। और वो कहते हैं धावन,
कहते आंख अगर बंद करके कोई दौड़े, अगर आंख कोई बंद कर दे, आंख बंद करके अगर कोई दौड़े भी ना, कहते वो कभी वो व्यक्ति कभी गिरने वाले नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या कि जैसे रोड बहुत चौड़ी हो, कहाँ पर एक्सीडेंट होने का डर है, जहाँ पर पेड़ पौधा पिलर दुकान मकान हो, कभी जो भक्ति मार्ग इतने प्रशस्त मार्ग, इतने खुला लंबा चौड़ा मार्ग, और आंख बंद करके भी तुम दौड़ोगे ना, कभी तुम्हारी एक्सीडेंट कभी नहीं होगी हैं। और क्या नहीं होगी, कहते भागवत धर्म की इतने महिमा कभी इसमें गिरने का भी कभी चांस है, कभी भी तुम गिरोगे नहीं। गिरोगे नहीं मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे ज्ञान मार्ग योग मार्ग अगर थोड़ी सी इधर उधर हो जाए ना, लेने का देना पड़ जाता है, लेकिन जो भक्ति मार्ग शास्त्र में क्या बताया, महाप्रभु कहते हैं जब तक कोई 100,000 नाम नहीं करते है ना, तब तक उसका हाथ का में खाना नहीं खाता। कितना नाम माला करना पड़ेगा आप लोग कितना करते हैं, अगर कोई 16 माला करे 32 माला करने तो 8 दिन माला करते हैं, कोई बोलेगा क्या पाप लगेगा, बोले नहीं, जितना करोगे उतना ही तुम्हारा कल्याण है। मतलब ये भक्ति मार्ग में कभी नुकसान होने वाला नहीं, जितने करोगे तुम्हारी उतना ही मंगल होगा। कहते ये मार्ग में कभी तुम्हारी गिरने का चांस नहीं, हर समय बढ़ने का चांस है, कभी तुम गिरोगे नहीं भक्ति मार्ग से। इसलिए कहते करुणा नितानम, जो भागवत ग्रंथ ये बड़ी करुणा है, कहते ना हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जैसे भगवान कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधो, जैसे भगवान करुणा की समुद्र है, ये भागवत ग्रंथ भी करुणा की ये समुद्र, ये भागवत ग्रंथ। इसलिए भागवत ग्रंथ की महिमा को पद्म पुराण में बताया, कद ये सब चीज को देने वाले, जो निर्धन है उनको धन देने वाले, जो दुखी उसको सुख देने वाले, जो संतानहीन उसको संतान देने वाले हैं, कहते हैं जो रोगी को निरोग करने वाले, कहते ऐसे कोई चीज नहीं जो ये भागवत तुम्हें देने वाले नहीं, जो देने वाले नहीं, सब कुछ देने वाले ये भागवत है, हैं। और यहाँ तक भगवत प्रेम भगवत भक्ति दे करके अपना चरण में स्थान देने वाली ये श्रीमद् भागवत, अगर कोई नियमित रूप में अगर कथा को सुने एकदम बढ़िया से नियम से, एकदम 7 दिन तक कथा से पहले आए, एक मन से ध्यान से कथा सुने, ब्रह्मचर्य पालन करते हुए और साधारण बिस्तर में लेट करके 7 दिन तक लड़ाई झगड़ा नहीं करे, मिथ्या कथा बोले नहीं हैं, सही सही रूप में कथाओं को सुने, आप जो कुछ मांगोगे 7 दिन में, कहते भागवत आपकी सारी इच्छाओं को ये पूरी कर देती है जो कुछ मांगोगे। इसलिए भागवत को निगम कल्प तरूर बताए, ये कल्प तरू भागवत ग्रंथ है, ये कल्प तरू ये भागवत ग्रंथ। इसलिए बोले तमादि देवम करुणा निदानम तमालवर्णम सुहृदावतार, कहते भागवत क्या है, बोले सुहृदावतार, मतलब अगर जगत में हमारे सबसे बड़ा कोई मित्र है, कहते सबसे बड़ा मित्र कौन है, बोले भागवत है, इससे बड़ा मित्र दुनिया में तुम्हारी कोई नहीं, अगर कल्याण कोई करने वाले तो कहते ये भागवत है ही तुम्हारी वास्तव कल्याण, श्री भागवत करेगा है। कहते ना तुम्हें माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुस्स सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविण त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जैसे भगवान कृष्ण हैं हमारे पिता माता भाई बंधु, जैसे भगवान कृष्ण और सबसे बड़ा मित्र भगवान कृष्ण, इसलिए कहते सबसे हमारी सबसे बड़ा मित्र कौन है, बोले भागवत ग्रंथ है। बोले मित्र कैसे है, मित्र क्या करता है, एक मित्र दूसरे मित्र का कल्याण करता है, कभी अमंगल नहीं करता है, कहते उसी तरह की जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ, कहते धर्म प्रजीत कैतव अत्र परम निर्मत सरनाम सताम। इसलिए भागवत में कोई कपट धर्म की बात इसमें, भैया इतना तेज मत करो कम करके रखो, इसलिए कहते हैं भागवत ग्रंथ कभी हमारी
अमंगल नहीं करने वाले, जिसमें धर्म अर्थ काम यहाँ तक भी, जहाँ से मोक्ष को भी जहाँ को पीछे निकाल दी गई, और केवल भागवत सबसे इसलिए मित्र है, ये केवल हमें भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, भगवत सेवा को जो शुद्ध रूप में प्रदान करने वाले ये श्रीमद् भागवत कथा। हमारी अगर सबसे बड़ा कोई मित्र है कथी ये भागवत, बोले सुहृदावतारम, बोले अपार संसार समुद्र से। तो कई संसार को उदाहरण किया दिया, जैसे साधारण समुद्र है, इसका तो कोई आर पार है समुद्र का, लेकिन ये जो संसार है रूपी जो समुद्र की, कोई आर पार है नहीं, कोई आर पार नहीं। अगर ये भव सागर से, भव सागर मतलब भू मतलब तो होना, जो जन्म लो फिर मरो, जन्म दुख कष्ट, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जो तरह तरह का जो संसार में दुख कष्ट है, कहते अगर इससे पार होकर के जीवन में परम आनंद को कोई प्राप्त करना चाहते हैं, परम शांति और सुख को पाना चाहता है, नित्य परम आनंद पाना चाहता है, क्या करो, बोले समुद्र सेतु भजा महे भागवत स्वरूपम, ये भागवत ग्रंथ को आश्रय कर लो। क्या करेगा, कभी ये संसार से पार होने के लिए वो एक सेतु है, ये बांध है, और उसमें चलते चलते ये भागवत ग्रंथ में आप चलते 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 कहाँ तक पहुंच जाओ, एक दिन गोलोक वृंदावन श्री राधा कृष्ण की चरण की सेवा को तुमको प्राप्त हो जाएगा। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृता मुखी, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा हमें सुनने का जो ठाकुर जी ने हमें सौभाग्य प्रदान किया है, 7 दिन तक श्रवण करने का हम लोग बड़े सौभाग्यवान, जो कि ठाकुर का चरण में बैठ करके ये भागवत कथा को हम लोग ने श्रवण करेंगे, यथाजथ रीति रूप में कोशिश करेंगे। इसलिए कभी जो श्रीमद् भागवत कथा है कभी ये बड़ी दुर्लभ है, इसलिए शंकर जी पार्वती को ये बात कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले सतसंगति दुर्लभ संसार, सतसंगति दुर्लभ जो श्रीमद् भागवत कथा है ये बड़ा दुर्लभ है। अगर जीवन में कितना एक घड़ी आधी घड़ी और आधी से अपनी आध तुलसी सत्संगत में नासे कोटि अपराध, अगर थोड़ी भी समय अगर ये भागवत कथा सत्संग सुनने को मिल जाए पार्वती, ये जीवन धन्य हो जाता है। हैं कहते ये कथा साधारण भाग्य से कोई कथा नहीं सुन सकते हैं, बोले कौन सुन सकते हैं, बोले अति हरी कृपा जा पर वही पाप दही यह संगत सो, जिसको पर में भगवान की कोई विशेष कृपा, थोड़ी मोड़ी कृपा नहीं, शंकर जी कहते हैं बोले अति, अति मतलब भगवान की दो तरह का कृपा है, एक डायरेक्ट कृपा और एक घुमा फिरा कर कृपा है। शंकर जी कहते पार्वती, पार्वती जिसको पर में ठाकुर को डायरेक्ट कृपा हो जाए पार्वती, पाप ते ही यह संगत सोई, तभी ये कथा सुनने को किसको मिल सकता है, नहीं तो ये कथा सुनने को जीव को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा कथा सुनने को हैं। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आप तो यही सर अति कठिनाई,
और राम कृपा बिनु आई न जाए। कहीं अगर शादी विवाह हो ना, कहीं शादी विवाह हो, अगर एक महीना को बाद में कहीं शादी हो, आप देखना एक महीना पहले से प्रिपेयर करते हैं, कौन सा साड़ी पहन कर जाएंगे, कौन सा गहना, जुत्ती कैसे, घड़ी कैसे, मैचिंग का सब पहले से रेडी रहते हैं। अगर भगवान की कथा कहीं हो ना, बोलो भैया कथा हो रही, चलो कितने बहानाबाजी, अरे महाराज जी अम्मो काम पड़ गया था, वहाँ जाना था, वहाँ पता नहीं कितने 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 बहाना बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन शादी के लिए कहीं पार्टी के लिए पहले ही तैयार करें। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती बोले आप तो यही सरह अति कठिनाई, भगवत कथा में आना पार्वती इतने सहज बात नहीं। बोले राम कृपा बिना आई न जाए, जब तक ठाकुर को कृपा नहीं हो पार्वती ये कथा रूपी सत्संग में कोई आ ही नहीं सकते हैं, कोई यहाँ आ ही नहीं सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति कथा सुनने के लिए आते हैं, क्या समझो भगवान की इनके ऊपर विशेष कृपा है, ठाकुर जी की उनके ऊपर में विशेष कृपा है, तभी ये भागवत कथा में कोई आ सकते हैं। इसलिए हम लोग बड़ी भाग्यवान है। कहते ये भागवत जो ग्रंथ है इसमें चार अक्षर है, कितना अक्षर है बोले भाग ब, अरे वो भाग ब त, कहते इसका मतलब क्या है बोले भाति सर्वेषु लोकेषु, बोले ग बोले गीयते नारदादि भी, बोले ब बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, बोले त मतलब तरणी च भवान। कहते ये भागवत जो चार अक्षर है, ये चार अक्षर में ही ये भागवत का सारी तात्पर्य ये चार अक्षर में है, इसका अलग अलग अर्थ बताया है। कहते भाव प्रकाशक धुनति तत्व गतिरस दुरतया ब, बोले ब वर्तते सर्वलोकस्मिन, बोले त बोले तस्मात भागवत विदो, बोले ब भा मतलब क्या है बोले भाति सर्वेषु लोकेषु। एक अर्थ तो बताया भागवत में, ये ब्रह्मलोक में भी नहीं, शिवलोक में भी नहीं, और ये वैकुंठ लोक में भी नहीं। दूसरा अर्थ कहते हैं बोले भाति सर्वेषु लोकेषु, केवल हम भारत केवल भारत में बैठ कर कथा सुन रहे हैं ऐसी बात नहीं, कहते जिसका प्रकाश सर्वत्र है। इसलिए स्कंद पुराण में आता है ये श्री उद्धव जी कह रहे हैं, कहते उद्धव जी कह रहे हैं मेरे गुरु जी मेरे को सुनाए थे, जिस समय भगवान ने ये विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि की, विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करके उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने तीन देवता को उन्होंने सृष्टि किया, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारी काम सृष्टि करना, शंकर जी को बोले तुम्हारी काम संहार करना, नारायण को बोले तुम्हारी काम पालना करना। ब्रह्मा जी बोले प्रभु जी आप कह रहे हो जगत को सृष्टि करना, ये रजगुण का काम है, ये रजगुण से मुक्ति कैसे मिलेगी और सृष्टि करूं कैसे। भगवान ने कहा एक काम करना, सात दिन तक अगर ये भागवत कथा सुनोगे, ये भागवत का आशीर्वाद से ये जगत का सृष्टि तुम कर सकते। इतने में श्री भगवान विष्णु आए, बोले प्रभु दुनिया को तो मैं पालन कर सकता हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे पालन करूँ। बोले आप भी कथा सुनो और कथा सुनाओ। इसलिए ये भागवत कथा को जब शंकर जी सुनाते हैं, माँ पार्वती बैठ करके सुनती हैं, कितना दिन तक, कितने दिन में भागवत को विश्राम देते हैं, हम लोग तो सात दिन सुनेंगे। शंकर जी जब सुनाते हैं बताओ कितना दिन में भागवत को विश्राम देते हैं, कौन बोलेगा याद कर बोले, हर साल सुनाता हूँ, बोलो कितने कितने साल में भागवत को कितने साल में पूरी करते हैं, एक महीना, एक महीना में कथा को, एक महीना में कथा को। लेकिन जब माता पार्वती कथा करती है ना, माता पार्वती जब कथा करती हैं, कभी ये दो महीना कथा विश्राम देती है। मतलब शंकर जी जितने सुंदर कथा सुनाते हैं, जब माँ पार्वती कथा सुनाती है ना, उससे भी सुंदर और उससे भी बढ़िया व्याख्या करके सुनाती है। इसलिए आप लोग ये मत समझो हम कथा नहीं सुना सकते, केवल पुरुष लोग ही सुना सकते हैं, इसलिए नहीं, इसलिए आप लोग भी कथाओं को आप भी सुना सकते हो। अभी श्री आय शंकर जी बोले ये जो संहार करना काम है ये तमोगुण का काम है, आप बताओ ये तमोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी।
भले आप भी कथा सुनो और सुनाओ। जब शंकर जी कथा सुनाते हैं बताओ कितना दिन में पूरी करते हैं? कितना बोला? एक महीना। अभी तो एक महीना की सुन ली, इसलिए शंकर जी जब पूरी करते ना एक साल। इतने सुंदर कथा पर व्याख्या करते हैं क्योंकि शंकर जी वैष्णवानाम यथा संभव, शंकर जी भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री भोले बाबा, इसलिए कथा को इतनी सुंदर व्याख्या करते हैं। सारे पुराण की जो कथा करने वाले तो शंकर जी है, इसलिए उन्होंने एक साल तक ये कथा को सुनाते हैं, तभी जाकर के ये भागवत कथा पूरी होता है। फिर माता पार्वती सुनाती है, कितना साल में पूरी करती है? 2 साल। मतलब शंकर जी इतने सुंदर कथा करती हैं, उससे सुंदर कथा करती है माँ पार्वती। इसलिए आप लोग का जयकार है, इसलिए आप लोग भी ऐसे नहीं केवल पुरुष लोग ही कथा करेंगे, ऐसे नहीं, आप लोग भी अपना अड़ोसी पड़ोसियों को भी आप लोग ने कथा सुनाना, ठीक है ना? और सबको कथा सुना करके सबको भक्त का बनानी चाहिए। इसका मतलब भाव मतलब होता है भांति, भांति मतलब होता है स्वभावमान। कहते भागवत कथा केवल हम ही सुनते हैं ऐसे बात नहीं, जिस भागवत कथा ब्रह्म लोक में, शिव लोक में और वैकुंठ लोक में भी कथा विद्यमान है, और ये कथा को हम ही सुनते हैं ऐसे बात नहीं, जिसको ब्रह्मा भी सुनते हैं, जिसको शंकर भी सुनते हैं, जिसको स्वयं श्री भगवान विष्णु तक भी भगवत कथा को भगवान विष्णु भी कथा सुनते हैं। ये कथा की कितने महिमा, कहते ये कथा की प्रभाव से ये जो दुनिया जो चल रहा है ये कथा के प्रभाव से चल रहा है। ब्रह्मा कथा की प्रभाव से सृष्टि करते हैं, कथा के प्रभाव से शंकर जी संहार करते हैं, और कथा के प्रभाव से विष्णु जगत को पालन करते हैं। मतलब जो दुनिया चल रहा है ना केवल ये भागवत कथा के प्रभाव से ही ये दुनिया अभी चल रहा है। इतने महिमा ये भागवत कथा की, इसलिए बोले भाति सर्वेषु लोकेषु बोले बोले गीयते नारदादि भी। कहते भागवत कथा को गान करने वाले कौन है? जैसे साधारण व्यक्ति कोई बात बोले ना कहता रही कथा की क्या, उसका बात की क्या महत्व है, लेकिन कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अगर कथा करे तो बोले भैया कथा में कुछ दम है, इसलिए इसको गान करने वाले कौन? बोले नारद आदि। इसलिए हम भागवत में कथा आएगा ना श्री नारद जी, यद्यपि ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना विधि विधान से ब्रह्मा जी से सुने थे उन्होंने, हैं ब्रह्मा जी से नारद जी सुने थे, पर नारद जी भरी कथा सुनाते हैं, चतुसन भी कथा को सुनाते, इसलिए शंकर भी अमरनाथ में बैठ करके शंकर भी पार्वती को ही कथा सुनाए, इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी कथा सुनाए, सुतो गोस्वामी भी कथा सुनाए, हनुमान जी भी कथा सुनाता है, सुनते हैं और कथा को सुनाते हैं। इसलिए ये कथा को जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जितने बड़े बड़े साधु लोग हुए हैं, ये सब के सब कथा को सुनाते हैं और कथा को सुनते हैं। और जगत में और एक चीज को समझो, इसी जगत में वही व्यक्ति उतना बड़ा है जो जितना भगवान की कथा को सुनाए। वो व्यक्ति को देखो जगत में, वही व्यक्ति अभी उतना पूजा पा रहा है जो ये कथा को जो जितना सुनाए। अगर कोई अमरत्व को प्राप्त किया ना, जैसा भी मोदी, कितना साल के लिए मोदी? केवल 5 साल के लिए। योगी कितना साल के लिए? 5 साल के लिए। आप बताओ हनुमान कितना साल के लिए? गोस्वामी तुलसीदास कितने साल के लिए? सुखदेव गोस्वामी कितने साल के लिए? ब्रह्मा जी कितने साल के लिए? चतुसन कितने साल के लिए? जगत में अमरत्व को प्राप्त किया है, अमरत्व को प्राप्त किया है। इसलिए जगत में अगर सबसे बड़ा जगत में पूजा पाना चाहते हो, जगत में उसकी ही उतना जयकार होता है जो जगत में जितने भगवत कथा को गान किया। हम क्यों गुरु जी को पूजा कर रहे हैं? गुरु जी को क्यों पूजा कर रहे हैं? स्वामी महाराज को, प्रभुपाद को क्यों पूजा कर रहे हैं? इस्कॉन का जो प्रतिष्ठाता हुए, इस्कॉन का जो प्रतिष्ठाता, जानते हो कितने साल में प्रचार करने के लिए गए? 70 साल में एक जहाज में बैठ करके 3 बार हार्ट अटैक हुए उनको, और जाकर के अमेरिका में पहुंचे और ऐसे उन्होंने कथा प्रचार की, सारा दुनिया में टहलका मचा दी। संपूर्ण पृथ्वी में हम जहाँ जाते हैं, जहाँ जाते हैं स्वामी महाराज की जय जयकार सुनते हैं। क्यों? उन्होंने भगवत कथा को जगत में, भगवत कथा धारण किया है। इसलिए कहते जगत में सबसे बड़े
अगर कोई जगत में पूजा पा रहे ना भगवत कथा से, जैसे मैं यहाँ पर बैठ कर कथा कर रहा हूँ, अगर मैं कथा नहीं सुनाता तो आप लोग मेरे को पूजा करते, इसलिए हमारे भक्ति वेदांत ब्राह्मण को स्वामी महाराज कहते, बोले मैं कथा कर रहा हूँ ना इसलिए बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिल रहा है बढ़िया बढ़िया। इसलिए जगत में ना, अगर आप भी जगत में अगर सबसे बड़े पोस्ट को बनना चाहते हो, जगत में सबसे बड़े पोस्ट हो दुनिया में, सबसे बड़ा पोस्ट बन, आप जितने देखोगे सुंदर कथा सुनाओगे, जितने सुंदर भगवान की वाणी बोलोगे, जगत में आपको उतना ही पूजा होगा, उतना ही पूजा होगा। इसलिए कहते गा मतलब गियते नारदा देवी, जिन कथाओं को ब्रह्मा शंकर स्वयं, स्वयं नारायण भी जिस कथा सुनाते हैं, स्वयं कृष्ण भी जिस कथा को सुनते हैं, स्वयं जगन्नाथ भी जिस कथा को सुनते हैं, हैं? कथा की सबसे बड़ा श्रोता कौन है? जगन्नाथ जी। कृष्ण जगत में सबसे बड़ा श्रोता जगन्नाथ जी, इसलिए हम कथा सुनाते ना। जयपुर में कोई एक संत थे, हर साल आकर कथा सुनाते थे। अब दूसरे साल जब कथा सुनाने के लिए आए, सबसे पूछे बताओ तो पिछले साल मैंने कहां तक कथा को विश्राम दिया था, उसको बाद से फिर कथा सुनाऊंगा, कल हमने क्या खाया आज भी याद नहीं रहा, अब याद है कल क्या खाए थे, अब एक साल पहले सब इधर उधर देख रहे हैं। इतने में उस जो वक्ता था, इतने में बोला लगता है तुम लोग कोई ध्यान से यहाँ कोई कथा नहीं सुनते हो। ठाकुर जी के मंदिर से आवाज आई, बोले महात्मा जी अब कैसे बताते हो कोई कथा नहीं सुनते हैं, कथा मैं सुनता हूँ, कथा मैं सुनता हूँ ना कथा बेटी करके, इसलिए आपने यहाँ तक कथा की थी, इसको आगे कथा हो। इसलिए कथा की सबसे बड़ा जो श्रोता जब ये क्यों ऐसे हुआ जाता क्यों सीधे हुए, वो अपना कथा सुन सुन करके ठाकुर जी द्रवीभूत हो गए, कथा सुन सुन करके, कथा में इतने रस है, कथा में इतने आनंद है। इसलिए राधा रानी क्या कहती हैं, जो कथा सुनते हैं उनको सात लाभ है, कितना लाभ है, क्या क्या लाभ है, बोले तब कथा मृता लाभ है कि जगत में जो कथा सुनेगा वो अमरत्व को प्राप्त करेगा। हर साल हम सुनते हैं शंकर जी यही कथा पार्वती को अमरनाथ में सुनाई, इसलिए वो स्थान का नाम अमरनाथ है। हैं? आप लोग कोई अमरनाथ गए हो? कौन कौन अमरनाथ गए? हाथ उठाते तो एक कोई गए हो, इसलिए कौन जाना चाहते हो बोलो अमरनाथ, एक बार हम लोग प्लानिंग करेंगे, एक बार अमरनाथ लेकर के आए, ठीक है। इसलिए कहते हैं शंकर जी स्वयं कहते पार्वती मैं ये भागवत कथा सुनकर मैं अमरत्व को प्राप्त किया है, पार्वती कहते पर मेरे को सुनाओ, फिर उन्होंने अमरनाथ में कथा सुनाई। इसलिए हमारी बात छोड़ दो, स्वयं शंकर पार्वती कहते हैं हम भी एक कथा सुनकर के अमरत्व को प्राप्त किया, इसलिए तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। कथा सुनने से क्या होगा, जितने उत्तप्त जीवन दुखमय जीवन, समस्त दुखमय जीवन तुम्हारी शांत हो जाएगा। संसार में हम दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई परिवार से, कोई बेटा से, कोई बेटी से, कोई बहू से, परिवार से दुखी, लेकिन देखना यहाँ पर दो तीन घंटा बैठोगे ना सब दुख को दूर करके बैठोगे, बैठेगी नहीं सारा दुख को दूर करके, अगर जीवन में कथा सुनते रहो सारे दुख भी दूर हो जाएगा। इसलिए तप्त जीवनम दुखमय जीवन शांत हो जाएगा। बोले कभी भी रीडितम, जिसको बड़े बड़े कवि लोग गान करते हैं, बोले कलमसा अपहम, जितने तुम्हारी पाप है कथा से ही सारे पाप तुम्हारी धूल जाएगा। श्रवण मंगल, कथा श्रवण करने से कहते कुछ भी तुम्हें करने का जरूरत नहीं, आओ केवल बैठो, कहते बैठने का साथ साथ क्या होगा, मंगल शुरू हो जाएगा और जीवन का अमंगल अपने आप तुम्हारी अमंगल दूर हो जाएगा। बोले श्री श्री मतलब लक्ष्मी, कहते कथा सुनने से
माँ लक्ष्मी की भी बड़ी कृपा होती है। श्री मतलब शोभा, श्री मतलब सौंदर्य, जो भगवत कथा श्रवण करेगा उसका शोभा सौंदर्य सब समय बढ़ते रहेगा। हैं बोले ता, ता मतलब संसार का जो बंधन है सारे बंधन तुम्हारी खत्म हो जाएगा। इसलिए राधा रानी कहती हैं जगत में सबसे बड़े दानी कौन है, जो कृष्ण कथा को भागवत कथा को दान करते हैं, बोले उनसे बड़ा दानी जगत में कोई नहीं। इसे बोले गीयता नारदा देवी, बोले बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु। इसलिए स्वयं व्यास देव, आप और हमारी बात छोड़ दो, स्वयं व्यास देव कहते हैं उन्होंने सारे ग्रंथों को उन्होंने रचना की, जितने वेद पुराण उपनिषद, लेकिन इस सारे ग्रंथों को रचना करने का बावजूद भी उनको ही शांति नहीं मिला। हमारी बात छोड़ दो, ये हमें शिक्षा दे रहे हैं, हम भी जीवन में शांति पाने के लिए क्या नहीं करते बताओ, जो कुछ करते हैं शांति और सुख के लिए, लेकिन शांति आती नहीं, सुख दुख जाती नहीं, दुख जाती नहीं सुख आती नहीं। इसलिए यहाँ पर श्री नारद जी व्यास देव कहते हैं तब भी तुम जीवन में शांति आएगा जब ये भागवत ग्रंथ को रचना करोगे। हमें भी जीवन में तभी शांति मिलेगी जब ये भागवत कथा को हम श्रवण करेंगे, तभी जीवन में हमें भी शांति और सुख भागवत कथा से मिलेगी। इसलिए कहते हैं श्रवण मंगलम, इसलिए जगत में सबसे बड़ा दानी जो कथा को दान करते, इसलिए वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु। इसलिए जब श्री व्यास देव ये भागवत रचना की तभी शांति मिली, और तरणी च भवानवा, ये भवसागर से पार होना चाहते हो, कभी ये भागवत कथा नहीं सुन रहे, क्या कर रहे हैं, एक सुंदर नाव में हम बैठे, जैसे पानी को जैसे पार होने के लिए नाव में बैठ कर पार होते हैं, लेकिन कभी कभी नाव भी डूब सकती है, कभी भी सीप भी डूब सकती हैं, बड़ी बड़ी जहाज भी डूब गई, टाइटन भी डूब गई हैं, लेकिन ये भागवत कथा रूपी नाव में कोई बैठेगा ना, ये कभी तुम्हें डूबने वाले नहीं, ये जरूर तुमको ठाकुर जी के चरण में एक दिन, और जरूर ठाकुर जी के चरण में तुम्हें पहुंचा देगी। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय, जय श्री राम। कहती ये जो भागवत कथा की जो महिमा, कहते ये दो पुराण में कथा की महिमा है, कहते एक तो पद्म पुराण में और एक स्कंद पुराण में। तब यहाँ प्रश्न करते हैं, देखो यहाँ पर दो तीन प्रश्न हैं, ध्यान से सुनना। कहते ये भागवत की महिमा कौन सा ग्रंथ में आया है, बोलो, एक पद्म पुराण और एक स्कंद पुराण, दो पुराण में कथा की महिमा आई। देखो यहाँ पर अच्छे तरह समझो, मैं कल पूछूंगा। कह देखो एक व्यक्ति का महिमा कब होता है, जन्म होने का बाद जब व्यक्ति बड़ा होता है तब उसका जगत में महिमा फैलता है। जैसे मोदी का महिमा, जब राष्ट्रपति बना तभी तो महिमा फैला है ना, उसको पहले थोड़ी, जन्म से पहले उसको महिमा जगत में कोई जानते थे, नहीं जानते थे। इसलिए यहाँ पर प्रश्न करते हैं भैया ये पद्म पुराण स्कंद पुराण ये कब बनी, भागवत ग्रंथ से पहले ये दो पुराण हुआ है। व्यास देव जी ने भागवत ग्रंथ कब रचना की, जब उन्होंने सारे ग्रंथों को रचना कर डाली, हरे कृष्ण, ठीक है। इसलिए जब उन्होंने सारे ग्रंथों को रचना कर डाले, शांति नहीं मिली तब तो भागवत रचना की ना, इसको पहले ही सारे ग्रंथ लिख चुकी, कौन सा ग्रंथ, पद्म पुराण स्कंद पुराण पहले लिख चुकी थी हैं। लेकिन अभी प्रश्न होता है भैया भागवत ग्रंथ तो बाद में हुई, उसको पहले पूर्व प्रति ग्रंथ में इसकी महिमा कैसे आ गई, कोई जन्म होगा तभी तो महिमा बनेगा ना। तो इसका तात्पर्य कहते हैं ये जो भागवत ग्रंथ ये नित्य है, ये नित्य भागवत ग्रंथ, ये मत समझो व्यास देव ने आए और नारद जी बताए लिख दिए, ऐसे नहीं। ये ग्रंथ जैसे भगवान कहते हैं ना, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजामि। भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन जब जब पृथ्वी गो ब्राह्मण संतों के ऊपर अत्याचार होने लगता है तब तक मैंने जगत में अवतीर्ण होकर के संतों को रक्षा करता हूँ, दुष्टों को विनाश करता हूँ। उसी तरह ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ये स्वयं अभिन्न कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है। जैसे भगवान कुर्मा अवतार लिया पृथ्वी, उन्होंने क्या किया, मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण किया, मत्स्य अवतार वेद को उधार किया, बराह अवतार पृथ्वी को उधार किया,
नरसिंह अवतार में प्रहलाद को रक्षा करके हिरण्यकश्यप को वध किया, वामन अवतार में बलि महाराज को कृपा किया, रामावतार में रावण को वध किया। उसी तरह भगवान कृष्ण कभी कलयुग में इस श्रीमद्भागवत ग्रंथ में कौन आए, ये भगवान कृष्ण स्वयं आए और आकर के उन्होंने किया, हम जैसे व्यक्ति को उद्धार किया। लेकिन जैसे मत्स्यपुर में बरा कहते क्या पहले थे नहीं, बोले नहीं, सर्प नित्य शाश्वतास्त भगवान की दिव्य धाम है, इसलिए कुर्म नरसिंह भगवान अपना धाम में नित्य विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब जब जरूरत होता है तब तक आते हैं। जैसे कृष्ण आए राम आए चले गए, इसका मतलब क्या राम पहले थे नहीं, पहले क्या कृष्ण थे नहीं, थे, जब जब जरूरत पड़ा आए। उसी तरह ये भागवत ग्रंथ भी ठीक वैसे ही ये नित्य है, अपना नित्य धाम में रहते हैं, लेकिन जब जरूरत होता है ठाकुर जी स्वयं ये भागवत ग्रंथ रूप में ठाकुर जी अवतीर्ण होते हैं। बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, ये कारण है। कहते यहाँ पर बताए भैया भागवत की महिमा दो ग्रंथ में आई, तो भागवत तो साक्षात कृष्ण ही है, तो उनकी महिमा बोलने का क्या जरूरत। भागवत में देखो पूरी पूरी कितने महिमा, कितने सुंदर सुंदर कथा है, फिर उनकी महिमा को क्या जरूरत थे। कहते हम भैया कलयुग का जीव, सबसे पहले देखें कितना माल मिलता है, कोई काम करने से पहले सबसे पहले क्या देखेंगे कितने हमारी प्रॉफिट होगा, तभी जाकर कोई बिजनेस करेंगे, उसको पहले थोड़ी कोई करेगा। इसलिए हम कलयुग का जीव है, ठाकुर जी ने देखा ये कलयुग का जीव है, जब तक इनकी महिमा भी नहीं बताओ ना तब तक ये कथा सुनने वाले नहीं। इसलिए हमने देखा हम तो सारा दुनिया में जाते हैं जिनका बच्चा नहीं, दस दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस साल से बच्चा नहीं, अगर हमने कहीं बोल दिया ऐसे हैं जिनके संतान नहीं, वो तो भीड़ इकट्ठे हो गई सब, बोले बाबा हमारी भी संतान नहीं, 20 साल हो गया 25 साल हो गया, क्या करना पड़ा बताओ। मैंने कहा भागवत सब देने वाले फल ला करके रखो, फिर कथा के बाद भीड़ लगी बाबा है। इसलिए हम बद्ध जीव है, अगर हम सुनेंगे कथा सुनने से ये फल है ये फल है, फिर क्या होगा बड़े ध्यान से नियम से फिर कथा को सुनेंगे। लेकिन भागवत क्या है, हमारी माँ है नहीं, ये क्या करेगी, जैसे बच्चों को दवा देते ना कोई बढ़िया दवा हो उसको ऊपर जैसे मीठा मिला कर खिला देती है, उसी तरह ये भागवत ग्रंथ भी क्या कहता है, भैया बेटा होगा संपत्ति मिलेगा दुनियादारी मिलेगा, इसी लोभ से तो सुनते हैं, लेकिन भागवत क्या करता है लास्ट में तुम्हें कृष्ण प्रेम रूपी फल दे देता है, कृष्ण भक्ति तुम्हारी हृदय में भगवान की भक्ति दे देते हैं तुमको, भगवत प्रेम ये भागवत दे देते हैं। इसलिए हम कलयुग का जीव, इसलिए ये दो ग्रंथ में बताए ये भागवत ग्रंथ की क्या महिमा, स्कंद पुराण और ये पद्म पुराण में ये कथा आई है। इसलिए उसमें जो पद्म पुराण की कथा उसमें दो कथा आती है, एक गोकर्ण धुंधुकारी की कथा आती है और एक ज्ञान वैराग्य की कथा आती है, इसमें दो कथा आती है। अभी हमारे श्री नवीन प्रभु जी आपको कुछ कथा सुनाएंगे, आप भागवत कुछ महिमा सुनाएंगे, एक माइक दे दो प्रभु जी, फिर माइक है हाँ, एक प्रभु जी थोड़ा 2 मिनट बैठ जाओ, थोड़ा 2 मिनट बैठ जाओ, एक भजन गा प्रभु जी, एक बढ़िया भी भजन गा, नाचने वाले भजन गा। दिल भर की अदा मिलानी है, दिल भर की अदा मिलानी है, दिल छीन लिया उसने मेरा, दिल भर की अदा मिलानी है, दिल Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की जन्म सरोज में कोटि कोटि धन ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात शिष्य गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी चरण कमलों में मैं कोटि कोटि धन ज्ञापन करता हूँ। उसके उपरांत समस्त ब्रह्मचारीगण सॉरी महाराज श्री जो आए वृंदावन से उनके चरणों में कोटि कोटि धन प्रदान करता हूँ। उसके उपरांत समस्त ब्रह्मचारीगण एवं समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि धन का अर्पण करता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा ये कर्मी लोग भी करते हैं, ज्ञानी लोग भी करते हैं और भक्त लोग भी करते हैं। हमें भागवतम किससे श्रवण करनी चाहिए ये महाराज जी हमें हर बार समझाते हैं। एकमात्र भक्तों के मुखारविंद से भागवतम को श्रवण करने से ही भक्ति आती है। भक्ति भक्त संग जायते अर्थात भक्तों के संग से ही भक्ति हृदय में प्रवेश करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। इसका सुंदर उदाहरण हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदर लीला में भी दर्शन होता है। एक महान पंडित ज्ञानी जो अभी भक्त नहीं है, उनका नाम था देवानंद पंडित। अगर नवदीप गए हो तो वहां पर देवानंद गौड़िया मठ है हमारा, वो स्थान देवानंद पंडित का था। वहां पर वो अपने शिष्य को भागवतम श्रवण कराता और सुंदर ज्ञान की सुंदर टीका उनको समझाता था। एक बार वहां से श्री वास जी जा रहे थे और जैसे ही भागवतम का श्लोक श्रवण किया तुरंत उस स्थान में प्रवेश कर गए जहां से वो श्लोक आ रहा था। और श्लोक को सुनकर के श्री वास जी उछल उछल कर नृत्य करने लगे, आंखों से अश्रुपात होने लगा और शरीर में रोमावली होने लगी और इतना आनंदित हुए श्लोक को सुनकर के कि वो जमीन पर ही लोटपोट होने लगे। ये देख करके देवानंद पंडित जी ने जब ध्यान किया और अभी जो टीका कर रहे थे वो ज्ञान की टीका, उसको देख करके जो उनके शिष्य
समझ गए कि महाराज श्री अभी कथा करते करते रुक गए हैं और ये जो बाहर से आया है बाबा ये अवरुद्ध पैदा कर रहा है। उनके शिष्यों ने उनको श्री व्यास जी को उठा करके बड़ी धृष्टता से उनको आश्रम से बाहर कर दिया और वो तब भी भगवान की भक्ति में आनंदित होते हुए लोटपोट होते हुए वहां पर अचेत अवस्था में पड़े रहे और उसके बाद वहां से गए। महाप्रभु ये सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं और सब कुछ उन्होंने देख लिया। समय बीता, एक दिन हरिनाम संकीर्तन करते करते वहां पहुंचे जहां देवानंद पंडित फिर से भागवतम की टीका अपने शिष्य को सुना रहा था और वहां इतने क्रोधित हुए, कीर्तन करते करते रुक गए और कहा ये देवानंद जो है मेरे अंग के खंड खंड करता है, इसको ये नहीं पता कि वैष्णवों का आदर कैसे किया जाता है। श्री व्यास जी का इसने अनादर किया। श्री व्यास जी आनंदित होकर के कथा श्रवण करने गए और वहां पर भाव विभोर होकर के अचेत हो गए और इसने उठाकर फेंकवा दिया। ये कथावता कुछ नहीं करता और ये भागवतम जिसको ये पढ़ रहा है ये भागवतम ही नहीं है, मैं इसको अभी फाड़े देता हूं। और फाड़ने लगे, चैतन्य महाप्रभु ने हाथ में लेकर के फाड़ना शुरू कर दिया। पीछे जो उनके शिष्य थे दौड़े दौड़े आए, महाप्रभु को रोका, महाप्रभु कृपा करो ये श्रीमद् भागवतम, गलती पंडित जी ने की है, भागवतम ने नहीं। तब रुके, कहा ये दुष्ट, ये क्षमा योग्य नहीं, मेरे भक्तों का अनादर किया इसने। तब देवानंद पंडित उनके चरणों में गिरे और माफी मांगी, तो भी उन्होंने उनको प्रेमदान नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं कि कोई कितना बड़ा भी पंडित क्यों ना हो जाए, यदि शुद्ध भक्तों का उसने संग नहीं किया तो भक्ति उसके हृदय में आने वाला नहीं। इसीलिए गुरु परंपरा की व्यवस्था है, सदगुरु परंपरा को अवलंबन करके, सदगुरुदेव के पद आश्रय को ग्रहण करके हम इस भक्ति को हृदय में धारण कर सकते हैं। एक बार सब बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। आजकल धन कमाने का तरीका हो गया भागवतम करना और उसमें बड़े बड़े कर्मी, बड़े बड़े ज्ञानी इस खेल को खेल रहे, वास्तविकता बिल्कुल विपरीत है। श्रीमद् भागवतम केवल और केवल जो वैष्णव है उनकी संपत्ति है और जो वैष्णव रीति से भक्ति करना चाहते हैं वही इसको ग्रहण करने के योग्य पात्र है। अन्यथा एकमात्र गोरख धंधा बनाकर लोगों ने कलयुग में अपने आप को नरक की ओर लगा दिया और जितने लोग उनके पीछे पीछे वो भी सब नरक में जाएंगे। इसका एक सुंदर उदाहरण श्रीमद् भागवत श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज और हमारे गुरुदेव भी कई बार कथाओं में सुनाते थे कि एक साधु थे, संत थे वैष्णव, तो चार व्यक्ति खड़े थे थोड़ी थोड़ी दूरी पर। एक राजा था और उसके बाद एक ऋषिगण थे, उसके बाद एक कर्मी था और उसके बाद एक व्याघ्र था। तो यहां पर संत जा रहे हैं तो सबसे पहले जो राजा मिला, राजा ने संत को प्रणाम किया और वो राजा होने का अभिमान लिए संत के चरणों में नहीं झुका, केवल हाथ जोड़कर वंदना की। तो संत ने उनको आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, तुम्हारी आयु इतनी ज्यादा हो कि तुम्हें कभी भी मृत्यु छुए ना। उसके बाद एक ऋषिगण थे जो योग सिद्धियां इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं, भक्त नहीं है ऋषि, उनको कहा कि तुम्हारी मृत्यु अभी हो जाए, आशीर्वाद दे रहे हैं संत। तीसरे थे वैष्णव,
तीसरे को आशीर्वाद दिया कि तुम चाहे अभी मर जाओ चाहे कितना भी जी लो, और चौथा था व्याद्र अर्थात कर्मी की तरह, उसको कहा तुम जीते जीते मर रहे हो और मरने के बाद भी मरोगे। तो यहां पर बड़ा गूढ़ तात्पर्य है, क्या कहा सर्वप्रथम राजा को कि राजा तुमने जो पूर्व जन्मों में अच्छे अच्छे पुण्य किए थे उसके फलस्वरूप आप राजा बने, और राजा बनने के बाद इतना अहंकार में कहीं किसी के साथ तुमने अच्छा व्यवहार किया, किसी के साथ बुरा व्यवहार किया, किसी की संपत्ति हड़पी, किसी का कुछ किया, कितने पाप पुण्य लग गए, और बार बार राजा बनने वाला सौभाग्य तुम्हारा अब खत्म होने वाला है, इसलिए जितना हो सके उतना जियो, उतना अच्छा, क्योंकि उसके बाद तुम्हें दुख मिलने वाला। दूसरा, जो महर्षि को संत ने आशीर्वाद दिया कि तुम तुरंत मर जाओ, क्यों कहा, क्योंकि वो योग सिद्धि से सिद्धियां अर्जित कर रहा है, और उसके बाद उसको क्षणिक सुख तो मिलेगा लेकिन जो सिद्धियां प्राप्त करके और ज्यादा कहीं भ्रमित ना हो जाए, सिद्धियां जब आ जाती हैं तो अहंकार भी आ जाता है, और अंतिम जो परीक्षा है माया की वो यही है कि वो जीव को भ्रम करके मानने लग जाता है, जीव अपने आप को भगवान मानने लग जाता है। तो सिद्धियां जब आ जाती हैं किसी ऋषि के पास योगी के पास तो वो अंततः अपनी भगवान की तरह पूजा कराने लग जाता है, कहीं ऐसा ना हो, इसलिए तुम अभी मर जाओ, जितनी तुमने तपस्या की उसके फलस्वरूप तुम्हें सुख मिल जाएगा। तीसरे थे वैष्णव, वैष्णव कहा तुम चाहे तो अभी मर जाओ या कितना भी जी लो। उसका कारण है वैष्णवों का जो क्रियाएं हैं वो साधारण कर्मी की तरह नहीं है। साधारण कर्मी क्या करेगा, साधारण कर्मी हमेशा लोभी की तरह धावित होगा, कुछ ना कुछ लक्ष्य को निर्धारित करेगा, उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करेगा, लेकिन वैष्णव जो भी कर्म करता है, जो भी क्रिया करता है, भगवान को केंद्र बिंदु बना करके उनकी सेवा और वैष्णवों की सेवा में अपना जीवन यापन करता है। उसमें क्या है, वो जीते जी भी वैकुंठ में है और मरने के बाद भी वैकुंठ को प्राप्त होगा, इसलिए उसको चिंता का कोई भी विषय नहीं है, उसको चिंता नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा आशीर्वाद जो है वैष्णवों के लिए उन्होंने प्रदान किया। चौथा, जो कर्मी या व्याघ्र है, व्याघ्र कैसा होता है, शिकारी कैसा होता है, हिरण का शिकार करेगा या किसी भी अन्य जीव जंतु का शिकार करेगा तो बड़ा लक्ष्य बना करके कि उसको किस प्रकार से मैं पकड़ लूं या मार डालूं। ठीक इसी प्रकार से जो हम कर्मी लोग हैं वो भी इसी प्रकार से शिकार कर रहे हैं, योजनाएं बनाते हैं किस प्रकार से ये अमुक वस्तु प्राप्त कर लूं या धन प्राप्त कर लूं या दूसरे को धोखा दे दूं या दूसरे को दुख दे दूं और खुद सुखी हो जाऊं। तो उसके लिए कहा कि तुम तो जीते जी भी मर रहे हो और बाद में भी नरक जाना है। तो ये संत बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है एकमात्र धन है वैष्णवों का। हमारे महाराज श्री बड़ी कृपा करके हमें साल में दो दो तीन तीन बार कृपा करके यहाँ पर भागवतम श्रवण कराते हैं। तो एक श्रीमद् भागवतम में ये कथा स्मरण हो रही है, उसमें बड़ा सूक्ष्म विचार है। एक राजा थे, महान राजा हुए, जिनका नाम था ययाति। ययाति जो शुक्राचार्य हैं उनकी पुत्री, उनका नाम था देवयानी। देवयानी से उनका विवाह हुआ और उनकी दासी थी शर्मिष्ठा। तो शर्मिष्ठा पर भी आकर्षित हो गए ययाति और उसको भी उन्होंने रानी बना लिया। दोनों रानियों को संग किया और ज्यादा आकर्षित शर्मिष्ठा की ओर हो गए जो दासी थी देवयानी की। और यहां पर देवयानी को बड़ा बुरा लगा, अपने पिता से जाके कहा हे पिताजी ये तो सिर्फ और सिर्फ शर्मिष्ठा की ओर ही जाते हैं, मुझे तो देखते भी नहीं। और
शुरू शुरू में तो इन्होंने इस प्रकार से मुझे प्रेम किया था, लेकिन अब बिल्कुल विपरीत दिशा हो गई। वो दासी जो हमारी हर प्रकार से सेवा करती थी, आज वो महारानी हो रही है और मैं दासी हो रही हूँ। पिताजी, आपके होते हुए ऐसा हो, ये कैसे संभव है? आप असुरों के जो हैं पुरोहित हैं, कुछ करें। अब असुरों के पुरोहित तो असुरों का गुण तो होना ही था। तुरंत ये याति जो अभी नवयुवक थे उनको श्राप दे दिया, जा वृद्ध हो जा। वृद्ध हो गए। अब वृद्ध हो गए तो उन्होंने सोचा कि भाई अभी तो मेरा बहुत सारा जीवन था, अभी आनंद आ रहा था, अभी भोग करना था, किसी प्रकार से पुनः मैं युवक बन जाऊं, युवावस्था को प्राप्त हो जाऊं। तो उनके 5 पुत्र हो चले थे। प्रथम पुत्र का नाम था यदु और सबसे छोटे पुत्र का नाम था पृथु। सब पुत्रों से एक एक करके वो पूछ रहे हैं, क्या तुम अपनी यौवनावस्था मुझे दे दोगे? मैं तुम्हें सारा राजपाट दे दूंगा इसके बदले। यदु महाराज ने बिल्कुल मना कर दिया। ऐसे करते करते सबने मना किया, 4 पुत्रों ने। जब पृथु महाराज के पास गए, पृथु महाराज पितृ भक्त थे, उनसे कुरु महाराज जो सबसे छोटे थे, उनसे जाके पूछा, क्या अपनी यौवनावस्था दे सकते हो? तो पुरु महाराज पितृ भक्त थे, उन्होंने कहा हाँ पिताजी, क्यों नहीं, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। तब उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया और उनकी यौवनावस्था को लेकर के बहुत वर्षों तक भोग किया और पुरु को व्रत बना दिया, सारा राजपाट उसके नाम कर दिया, समस्त पुत्रों को बेदखल कर दिया। यदु महाराज को यहाँ पर जो है सर्वश्रेष्ठ जो बड़े बेटे थे उनको ऐसा करना चाहिए था, जबकि छोटे ने किया। उसका कारण भागवतम स्पष्ट रूप से बताती है। यहाँ पर पिता क्या चाहता है? पिता भोग करना चाहता है। और पुत्र की अवस्था कैसी है? पुत्र है शुद्ध भक्त, वो भक्ति करना चाहता है। वो जानता है इस शरीर से मैं भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ, और यदि मैं युवावस्था अपने पिताजी को दे दूंगा तो ये भोग में व्यर्थ कर देगा, वृद्धावस्था में साधन नहीं होगा, क्योंकि इतनी व्याधियां आ जाती है, बीमारी आ जाती है, मैं किस प्रकार से भजन करूंगा? और ये भोग करके इसको नष्ट करेंगे, अपना शरीर भी नष्ट कर दिया और मेरा भी नष्ट कर देंगे। और यदि मैं भजन करता रहा, सदभक्ति करने से क्या होगा, 21 पुश्ते जो है तर जाती हैं, भगवान के धाम चली जाती हैं। इस हिसाब से उन्होंने मना किया था। और पृथु महाराज अभी इन भावों में नहीं थे, इस वजह से उन्होंने स्वीकार किया। जो सांसारिक लौकिक दृष्टि में जो पिता माता की सेवा है उसको दृष्टि करते हुए उन्होंने आज्ञा का पालन किया था। तो यहाँ पर यदु महाराज जो हुए उनके ही वंश में भगवान श्री कृष्ण चंद्र आए। अगर वो शुद्ध भक्त ना होते तो भगवान उनके वंश में नहीं आते। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को बड़े सुंदर तरीके से गुरुजन हमें समझाते हैं। इसमें बड़ी ही बारीकी से हमें श्रवण करना चाहिए। किसी कर्मी और ज्ञानी से हमें श्रवण नहीं करना चाहिए, उससे क्या होगा, हम अर्थ का अनर्थ कर देंगे। लेकिन जब हमारे गुरुजन हमें समझाएंगे तो वो हमारे हृदय में सुंदर तरीके से भक्ति को प्रस्फुटित कर देंगे। ठीक है, समय भी हो रहा है। धन्यवाद। भगवान जद्दू वंश में आए ना, इसलिए किसी ने उनको जादव वंश कह दिया, क्योंकि जद्दू महाराज के वंश में प्रसन्न होकर के आए। प्रभु जी बेरा, क्या नाम? सुरेंद्र प्रभु जी। हाँ देखो, आज बढ़िया प्रसाद बना है। आज प्रसाद क्या बना प्रभु जी? कचौड़ी, कचौड़ी और आलू की सब्जी, दाल दाल के कचौड़ी, बहुत बढ़िया कचौड़ी। मुझे लगता है कथा में कहूँ पहली बार की खासा कचौड़ी हुई, और बढ़िया हमारे सब्जी, इसके आलू की सब्जी। आज सुरेंद्र प्रभु जी कल जब हम आए, आशा कल जब हम आए, हमने सोचा भागवत कथा में प्रसाद हर साल हुआ करता था, इस बार भी रोज रोज प्रसाद हो। मैं जब पहला दिन बोले हम तो हर दिन कर लेंगे, लेकिन पहला दिन कहाँ से जाएगा, लेकिन सुरेंद्र प्रभु दिल खोल कर बोल दिया, बोले कोई चिंता मत करो, कल का प्रसाद मैं नया प्रसाद होनी चाहिए, जो प्रसाद अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए प्रभु जी बोले मेरे तरफ से प्रसाद है।
जिला ठाकुर जी, ठाकुर जी इनको देखो लोग का बहुत पैसा है लेकिन ठाकुर का सेवा करने के लिए बड़ा समझ समृद्ध नहीं होता है। लेकिन प्रभु जी धीर कर करके बोले हमारी तरफ से भागवत में कथा देखो, भागवत कथा में एक अन्न का दाना अगर किसी ने भोग लगा दिया ना, किसी जीवन में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भागवत कथा साक्षात श्री भगवत स्वरूप। इसलिए हम गुरु जी से जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी खूब उनको भक्ति दे, प्रेम दे, खूब फलते फूलते रहे और ऐसे ही भागवत कथा जीवन में ऐसे ही सेवा करते रहे। उनको जो पुण्य मिलेगी लाने वालों को उसका आधा पुण्य मिल जाएगा, गुरु जी ये बात कहते हैं, क्योंकि आपकी वजह से उनको भगवत भक्ति अभी भागवत कथा में आने का तो सौभाग्य प्राप्त हुआ। कल कितने कितने भक्तों के लिए क्या हो देखो, सबसे बड़ी चिंता घर में ही माता की प्रसाद, क्योंकि भूखे ना भजन हरे गोपाला, और यहाँ पे कोई चिंता नहीं, रोज रोज प्रसाद मिलेगा, कथा प्रसाद मिलेगा और वैसे प्रसाद दोनों हाथ में लड्डू लड्डू, ठीक है। अगर कोई प्रसाद भी देना चाहते हो, जैसे अगर अकेले कोई नहीं हो, चार पाँच मिल करके भी अगर भागवत में कुछ देना चाहते हैं, आप सब मिल करके भी प्रसाद भी दे सकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सविताकतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतम स्वरूपम। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। कर जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्मा ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसी श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके अहिति की कृपा वंचा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसी श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसी श्रीमद् भक्ति स्वरूप तुलसीधांति गोस्वामी महाराज जी के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके अहिति की कृपा वंचा करता हूँ। उपस्थित पूज्यपाद महाराज जी सतीर्थ वैष्णववृंद वैष्णववृंद गुरु भ्राता वृंद भक्त वृंद समस्त चरण में अधम का यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव अभी अभी श्रीमद् भागवतम की महिमा बता रहे थे कि जिसको ऊपर भगवान की विशेष कृपा होता है, जा पर कृपा हरि का होई, तो जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होता है उसको ही कथा सुनने का लाभ मिलता है। तो इसी प्रसंग में श्रीमद् भागवतम में जो महिमा है स्कंद पुराण और पद्म पुराण, ये दो पुराण में इनका विशेष विशेष महिमा को वर्णन कर रहे हैं। तो स्कंद पुराण में ज्ञान और वैराग्य का महिमा आता है, तो इसमें बता रहे हैं कि जिस समय से परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न पूछा कि परम कल्याण किस प्रकार होगा और सुखदेव गोस्वामी भगवत इच्छा से वहाँ प्रकट हो जाते हैं, और श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी भागवत कथामृत को पहले सुनाने जा रहे थे, तब ये देवता के जो स्वर्ग में जितने भी देवता लोग थे सारे के सारे देवता अमृत कलश को लेके संपूर्ण अमृत कलश को लेके श्री परीक्षित महाराज जी के पास और सुखदेव महाराज जी के पास उपस्थित होते हैं। बोले देवता अमृत कलश लेके क्यों आए, तो देवता बता रहे हैं देखो कि हे सुखदेव गोस्वामी ये अमृत जो कथा है ये आप अमृत आप लिख लो और जो श्रीमद् भागवत कथा ये परीक्षित को नहीं सुना के हमको सुना दो। तो श्री सुखदेव गोस्वामी पास वहाँ पे बोल रहे हैं कि का मणि का काचा क्वा काचा का मणि महान, कि कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि।
तो जो अमृत को भी वहाँ पे कांच का टुकड़ा के सामने समान करवा रहे हैं, तो बता रहे हैं कि तो ये तो साधारण है, ये तो अमृत तो प्रदान करेगा लेकिन अभय तो नहीं, लेकिन जो श्रीमद् भागवतम है ये भगवान के नित्य धाम भक्ति प्रदान करेगा। तो इसी प्रकार से जैसे ही श्री परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराया, और श्रवण करने के बाद श्री परीक्षित महाराज जी को अभय तो प्रदान हो गया, अमरत्व ने अभय वर प्रदान हो गया, मृत्यु से भय छूट गया। जैसे ही मृत्यु से भय छूट जाता है तो परीक्षित महाराज एक सुंदर एक सखी के रूप धारण करते हैं, और उनके लिए नित्य धाम से एक विमान आता है, और उसी विमान में बैठ के श्री परीक्षित महाराज जी नित्य धाम में जाते हैं। तो जैसे भूर्भुवः मह सत्यलोक तक जैसे जा रहे थे तो सत्यलोक में ब्रह्मा जी देखते हैं, और ब्रह्मा जी देख के बोलते हैं भाई ये परीक्षित ने ये कौन सा ऐसे कार्य कर लिया, कौन सा ऐसे पुण्य कर लिया जो इसके लिए नित्य धाम से विमान आया, और जो नित्य स्वरूप जो स्वरूप सिद्ध अवस्था में जो प्राप्त होता है सखी रूप, ये सखी रूप उसको प्राप्त हो गया, ये पूरे बड़े दिव्य सुंदर रूप धारण करके नित्य धाम में जा रहे हैं, इन्होंने कौन से ऐसे पुण्य किया। तो केवल 7-7 दिन तो कथा ही सुना, कथा के अलावा और कुछ किया और कोई साधन किया, बोले नहीं, बोले कथा ही तो सुना। तो तब श्री ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए क्या किया, एक तराजू निकिति उसको एक तराजू लाते हैं, और एक तरफ दुनिया के जितने भी सत्कर्म जितने भी सत पुण्य सत धर्म को रखते हैं, और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवतम को रखते हैं। जैसे ही श्रीमद् भागवतम को रख देते हैं तो श्रीमद् भागवतम नीचे हो जाते हैं और दुनिया के सारे सत्पुण्य ऊपर उठ जाते हैं। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं भाई ये तो बड़ा विचित्र बात है, ये क्या है ना, श्रीमद् भागवतम ही सर्वश्रेष्ठ है, और आगे भागवत जी की महिमा है, ये साक्षात भगवान के वाङ्मयी स्वरूप है, भागवत के प्रत्येक स्कंद भगवान के प्रत्येक अंग है, और इसी प्रकार जीव का उद्धार तो केवल कल्याण हो सके तो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण और पठन से ही हो सकता है। तब से ब्रह्मा जी बोले आज से हम हर रोज क्या करेंगे, ब्रह्मलोक में नित्य रूप में ये भागवत का कथा होगा नित्य रूप में। तो उसी प्रकार ये भागवत जी का महिमा, तो जैसे ही वहाँ पे जितने भी ऋषिगण थे जितने भी देवतागण थे वो आश्चर्य हो गए भागवत जी का इस प्रकार का महिमा देख के, और आश्चर्य हो के स्तुति करने लगे भागवत जी को। तो इसी प्रकार वहाँ पे नारद जी थे तो बोलते हैं कि ये भागवत जी किसने कहाँ सुनाया था, ये सनकादि ऋषि ये चतुसन ने नारद जी को ये भागवत की कथा सुनाई थी। तो प्रश्न उठता है नारद कौन है, नारद होते हैं तो नारद जी एक जगह पे क्षणम नहीं तिष्ठति, एक जगह पे नहीं रुक सकते हैं, हर समय भगवान के नाम गुण गान करते करते चलते हैं, और दूसरे साधु के लक्षण बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। बोल रहे नारद जी कौन है कि एक साधु का स्वभाव होता है जहाँ पे कितने समय पे टिके, बोल रहे हैं कि एक गोदुग्ध जहाँ पे एक गाय को दुग्ध किया जाए दोहन किया जाए और उसमें जितने समय लगे ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट उतने क्षण तक ही एक साधु रह सकते हैं। अब ये नारद जी 7-7 दिन तक कैसे भागवत कथा सुने, तो उसी प्रसंग में बता रहे हैं कि किसी समय श्री नारद जी ने ये मर्त्य लोक पे आए और मर्त्य लोक पे सारे के सारे जितने भी तीर्थ गए बहुत सारे जगह गए, और जितने भी सारे जगह जाने के बाद श्री नारद जी ने एक ही चीज को देखा। नारद जी क्या देख रहे हैं कि चारों के चारों केवल कली का ही वास होता है, हर जगह लड़ाई हर जगह झगड़ा हर जगह क्या होता है कली का प्रवास। तो हर मठ मंदिर में जाते हैं, हर स्थान धर्म स्थान पे जाते हैं, हर तीर्थ पे जाते हैं, सारे के सारे जगह पे कली का व्यास होता है। कालम मुखम व्याघ्र जैसे कि हर समय ये कली ने क्या किया है, काल रूप मुख जैसे सांप का मुख से जैसे जिस प्रकार गरल निकलता है एक अर्थ में, तो उसी प्रकार सबको ये कली ने प्रवासित दूषित कर रखा है। तो जैसे ही जाते हैं श्री नारद जी इसमें शास्त्र में बता रहे हैं कि मंदो सुमंद मतय मंद भाग्य उपद्रुपा, तो इसमें बता रहे हैं कि अमंद मतय सबका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, जो कली में नहीं जो 4 स्थान है जुआ मदिरा स्त्री संग इत्यादि और जीव हिंसा ये सारे के सारे चीज सारे के सारे लोग करने लगे हैं। तो ये सब नारद जी को देख के बड़ा दुख हुआ। नारद जी बोले भाई कली में इतना प्रवेश कर लिया कहीं धर्म वर्म भक्ति भक्ति नहीं है, हर जगह आलस्य हर जगह लड़ाई झगड़ा हर जगह कली का इतना प्रभाव है। तब नारद जी सोचते हैं एक जगह पे चलता हूँ, तो नारद जी तब वृंदावन चलते हैं। तो वृंदावन क्यों गए कि भक्ति जत्र नृत्यते, जहाँ पे स्वयं भक्ति देवी नृत्य करती है
तो नारद जी वृंदावन गए, लेकिन वृंदावन तो चले गए तो वृंदावन में एक बड़े सुंदर अपूर्व दृश्य देखते हैं नारद जी। बोले क्या देख रहे हैं नारद जी? नारद जी देख रहे हैं एक सिंहासन है, सिंहासन में एक बड़े सुंदर दिव्य एक रूपवती एक स्त्री एक सखी बैठी है, और उनके चारों तरफ कोई कोई सखीगण उनको आलट चामर व्यंजन कोई पंखा कर रहा है। और नारद जी देखते हैं और देखने के बाद एक आश्चर्य घटना देखा कि उनके दो तरफ में दो बूढ़े व्यक्ति बैठे हैं और उनका मतलब पूरा शरीर में पूरा चर्म गलित हो गया है, बाल पक गया है और सांस धीरे धीरे जा रहा है और उनका जैसे मानो प्राण चले जाएगा। तो नारद जी दूर से देखे, भाई इतने सारे लोग बैठे हैं ब्रज में, क्या होता है? हर समय भगवान का नाम कीर्तन होता होगा और साधु संग होता होगा, कथा कीर्तन होता होगा। तो नारद जी जैसे ही पास में गए तो देखे इस सखीगण तो वो जो सुंदरी को क्या कर रहे हैं, आलट चामर आदि कर रहे हैं, लेकिन वो उनके मन में कभी आनंद नहीं था, उनके मन में बड़े दुख है, बड़े उदासीनी है और बड़े क्रंदन कर रहे हैं। नारद जी बोले यहाँ भी कली का प्रवेश है, अब रोना धोना। तो नारद जी बोले भाई साधु हूँ मैं, साधु को रोना धोना से क्या। तो नारद जी जैसे ही वहाँ से निकलने लगे चलने लगे तब से ये जो सुंदरी जो रूप में बैठी थी इस सिंहासन के ऊपर ये बता रहे हैं कि भवो साधु क्षणम तिष्ठम मत चिंता अपिनाशय, कि हे साधु रुक जाओ रुक जाओ। कि बड़े दुर्लभ से तो बड़े कृपा से तो जीवन में क्या होता है, साधु का दर्शन मिलता है। आप जैसे साधु मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आए हो फिर भी आप यहाँ से चले जा रहे हो। तो नारद जी बोलते हैं देखो तुम रो क्यों रहे हो, तुम कौन हो? नारद जी सारे प्रश्न पूछते हैं, और तुम्हारे ये जो दो साइड में जो बैठे हैं ये कौन है, ना ये बूढ़े क्यों हो गए हैं, इनका क्या अर्थ है? तो बोलते हैं कि अहम भक्ति देवी, मैं कौन हूँ ना मैं भक्ति देवी हूँ। तो तुम रो क्यों रहे हो, तुम अगर भक्ति देवी हो सबके हृदय में जाके बैठो, सबको भक्ति प्रदान करो, तुम्हारा रोना धोना से क्या मतलब, तुम क्यों रो रहे हो? तो बोलते हैं जगत में सबसे बड़ा विचित्रता हो गया मेरे ऊपर। बोले क्या हो रहा है? ना एक चीज हो गया, क्योंकि जगत में माता बूढ़ी हो जाती हैं और पुत्र जवान रहते हैं, लेकिन मैं अभी तरुणी अवस्था में हूँ, जवान अवस्था में हूँ, और मेरे जो दो पुत्र है ये बूढ़े हो गए हैं। ये दो जो पुत्र इधर और उधर मेरे सिंहासन के आसपास जो लेटे हुए हैं, जो पूरा जो कम श्वास में जो पूरा गलित चर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? ना ये ज्ञान और वैराग्य है, ये मेरे दो पुत्र है। अब मैं तरुणी अवस्था में हूँ और ज्ञान और वैराग्य यहाँ पे बूढ़े हो चुके हैं, आप भी बताओ मैं कैसे सुख हो सकूँ मैं अपने भी। तो तब नारद जी ने बोले कि ये वृद्ध कैसे हुए? तब श्री भक्ति देवी वहाँ पे बोलते हैं कि उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धे कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जिन्नताम गता। कि उत्पन्ना द्राविड़े अहम, मैं तो द्राविड़ पे, मैं द्राविड़ देश पे मेरा उत्पन्न हुआ, वृद्धे कर्नाटके गता, साउथ जो जो लोग गए हैं साउथ में बड़े बड़े आचार्य हैं, रामानुचार्य शंकराचार्य और बड़े बड़े आचार्य ऐसे हुए रामानंदाचार्य, बड़े बड़े आचार्य जहाँ पे भक्ति का भक्ति लता का बीज भक्ति का एक रस को प्रवाहित किया, और वहाँ पे बोलने की वृद्धि कर्नाटक है, मैं तो उत्पन्न होके जैसे ही साउथ में गया जैसे मैं कर्नाटक में गया मेरा क्या हुआ ना थोड़ा बहुत मेरा प्रभास हुआ, मेरा थोड़ा वृद्धि हुआ, भक्ति सब करने लगे। लेकिन क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र की तरफ आया, शास्त्र का श्लोक बता रहे, तो वहाँ पे थोड़े थोड़े तो भक्ति किए, जैसे ही मैं गुजरात में गया उसी गुजरात क्षेत्र में क्या हुआ, जीर्ण था मैं, जैसे ही गुजरात क्षेत्र में चला गया मैं तो बूढ़ी हो गया। अब देखो तो यहाँ पे नारद जी बोलते हैं कि नारद जी से प्रार्थना करते हैं कि आप अगर मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हो, भक्ति देवी बोल रहे हैं कि आप हे साधु हो साधु, आप अगर मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हो तो मेरे ये दो पुत्र को आप कृपा करके जीवित करवाओ, मेरे दो पुत्र को जीवित करवाओ। तो विशेष करके देखो भक्ति देवी बोले ना कि गुर्जरा जीर्णताम गतम, कि गुजरात में क्या हुए, ये जरा जीर्ण हो गए, ये बूढ़ी हो गए, लेकिन आज आज की स्थिति में ज़्यादा भक्ति कहाँ होता है? बोलते गुजरात में ही होता है। क्यों गुजरात में होता है? कि यहाँ पे बड़े बड़े संत यहाँ पे अवतीर्ण हुए और अपने दिव्य प्रभाव से अपने दिव्य भक्ति धारा से सारे के सारे उस स्थान को
पवित्र कर दे। यहाँ पे श्री नरसिंह भगत, तुकाराम, श्री वल्लभाचार्य सारे के सारे भक्त गुजरात में उत्पन्न होके उसी स्थान को भक्ति रस में प्रवाहित कर दिया। तो उसी प्रकार नारद जी को जैसे ही भक्ति देवी बोलते हैं कि आप अगर मेरे दो पुत्र को ठीक नहीं करोगे तो मैं यहाँ से फिर और कहीं अन्यत्र चला जाऊँगा, क्योंकि ये दो बुद्ध हो चुके हैं। तो नारद जी बोलते हैं कि देखो मैं कर दूंगा और मेरे पास पूरा पूरा औषधि है, मैं कर सकता हूँ। तो भक्ति देवी बोलते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आप अगर ये ज्ञान और वैराग्य को शुष्क कर दोगे, इसको अगर जगा दोगे, तो मैं आपको क्या करूँगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ सबके हृदय में मैं भक्ति में जाके बैठ जाऊँगा, सबके हृदय में मैं भक्ति का जो अमृत जो रस है मैं सबके हृदय में आ जाऊँगा। तब उसी समय श्री नारद जी ने वहाँ पे ज्ञान और वैराग्य को सारे उपनिषद, सारे वेद, सारे के सारे शिक्षा सब सुनाया, कुछ भी नहीं हुआ। थोड़े देर टाइम के बाद नारद जी ने सोचे कि जो सर्वश्रेष्ठ है जो कौन है, न गीता सुगीता कर्तव्य, गीता वेदों का भी जो सार है, अब मैं क्या करूं, गीता सुनाओ। पूरा का पूरा 18 अध्याय गीता सुना दिया। तो गीता सुनाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, थोड़े तो आँख खोले ज्ञान और वैराग्य, फिर कुछ देर बाद फिर पुनः गिर गए। तब नारद जी परेशान हो गए, वेद वेदांत सूत्र और गीता सब सुनाने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहे, तो ज्ञान और वैराग्य ठीक कैसे होंगे। तब नारद जी सारे ऋषि मुनियों के पास पूछने लगे। अब ऋषि मुनि बोलने, भाई आप नारद जी हो, आप भगवान के इतने बड़े भक्त हो, आपको नहीं पता तो हमको कैसे पता होगा। तो ऐसे पूछते 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 ये बद्रिका गए, बोले बद्रिका जाऊँ, वहाँ पे नर नारायण है, नर नारायण तो तपस्वी, बड़े तपस्वी है, निश्चित रूप में वो बद्रीनाथ में मुझे कृपा करेंगे। लेकिन नर नारायण ढूंढने तो गए थे दो, मिल गए चार, चतुसन ब्रह्मा के चार पुत्र मिल गए। अब चतुसन बोल रहे, भाई नारद जी आप बड़े उदास लग रहे हो, कहाँ घूम रहे हो। तो बोल रहे हैं कि मैं ऐसा ऐसा किया, ऐसे ऐसे स्थान पे मैं हर जगह पे भ्रमण करते करते गया, देखा हर जगह कली का निवास है। जैसे ही मैं वृंदावन गया, वृंदावन में मैंने एक तरुणी को देखा, भक्ति देवी को देखा, लेकिन भक्ति देवी तो वहाँ नृत्य कर रहे हैं, लेकिन उनके जो दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वो शुष्क हो चुके हैं, वो वृद्ध हो चुके हैं। तो मैंने उनको उपनिषद सुनाया और वेदांत सुनाया, शास्त्र सुनाया, और मैंने तो यहाँ तक कि मैंने उनको गीता भी सुनाया, फिर भी उनका उद्धार नहीं हुआ, वो शुष्क नहीं हुए। फिर इतने में चतुसन बोलते हैं, भाई नारद जी आप भूल रहे हो, जिस समय व्यास जी भी 18 पुराण को रचना करने के बाद उनका मन में भी असंतोष हो गया था, तब उसी समय आप ही तो थे जिन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखने का आपने प्रेरणा किया था, आप बोल रहे हो श्रीमद् भागवत को सुनाओ। तो बोल रहे, मैंने श्रीमद् भागवत को सुनाने का क्या आवश्यक है, मैं तो श्रीमद् भागवतम लिख गया है, वेदार्थ परिब्रह्मिता, ये वेद का ही तो सार है, गायत्री भाष्य रूप से, गायत्री का भाष्य है, वेदांत का ये सार, वेदांत का सार को मैंने सुनाने का क्या आवश्यक है, मैंने तो पूरा का पूरा वेदांत सुना दिया, पूरा का पूरा वेद सुना दिया, और भागवत सुनाने का क्या आवश्यक है। तो वहाँ पे चतुसन बोलते हैं, देखो आम को, बोलते नारद जी आम खाए हो, हाँ खाया हूँ, बोले देखो आम को खाने के बाद ना, आम को चूसने के बाद कितना अच्छा लगता है, बड़े अच्छा लगता है। अब आम को कोई चूसे, आम को कोई खाए, उसका रस को कोई आस्वादन करे, और वो सोचने लगे कि भाई देखो आम अगर इतना अच्छा लग रहा है तो आम का जो बाप यानी जो पेड़ है, आम का पेड़ वो कितना रसदायी होगा। अब आम को छोड़ के अगर पेड़ को चबाने लगे, पत्ते को चबाने लगे, ज़्यादा प्रयास करेगा तो 32 दांत टूट जाएगा। तो इसी में बता रहे हैं कि देखो, इसीलिए देखो इसका अर्थ नहीं है कि जो पेड़ है पेड़ में रस नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है, पेड़ में रस है, उसका अर्थ पूरा का पूरा आम में भी रस है। तो श्री चतुसन बता रहे हैं, देखो जिस प्रकार निगम कल्प तरूर गलितम सुख मुखाद्रव मृत संयुतम, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष है, वेद रूपी वृक्ष में जो पके हुआ फल क्या है, ये श्रीमद् भागवतम है। इसलिए आप क्या कर रहे, अभी तक केवल पेड़ ही खिला रहे थे, अब क्या करो ये रस को पिलाओ, श्रीमद् भागवत को सुनाओ। तब चतुसन के ये बात को सुन के श्री नारद जी बोले कि प्रभु आप ही हमारे ऊपर कृपा करो, आप ही सुना सकते हो। तब प्रचार हो गया, कहाँ सुनाएंगे, हरिद्वारे आनंद नाम तीर्थ स्थ था, कि मैं सुनाऊंगा हरिद्वार पे, आनंद घाट पे, एक घाट है
वहाँ पे हरिद्वार पे कथा श्रवण करवाएंगे। जैसे ही वहाँ पे कथा श्रवण करवाएंगे तो चारों तरफ प्रचार प्रसार हो गया कि नारद जी को चतुसन भागवत कथा 7 दिन के लिए कथा श्रवण करवाएंगे। इस कथा कैसे श्रवण करते हैं उसका विधि बताएंगे, पूर्ण भक्ति के बाद बताएंगे। तब वहाँ पे जितने भी ऋषिगण थे, जितने भी देवतागण थे, जितने भी बड़े बड़े संत लोग थे, वहाँ पे आके ऑटोमेटिक वहाँ पे श्री हरिद्वार पे आके सब लोग के सब लोग एकत्रित हो गए। और जो लोग नहीं आए वो अगस्त ऋषि थे, जो लोग नहीं आए अगस्त ऋषि सबके घर घर में गए और सबके घर घर में निमंत्रण किए। बोले सुने हो, हरिद्वार में चतुसन को नारद जी चतुसन के प्रदत्त कथा और सारे के सारे बड़े भागवत आयोजन चल रहा है, सबके सब कथा सुनो। तो वहाँ पे जैसे जैसे सब लोग गए और चतुसन वहाँ पे भक्ति देवी आके विराजमान हो गई और उनके दो साइड में ज्ञान और वैराग्य विराजमान है वृद्ध रूप में। अब यहाँ पे श्री चतुसन में कथा श्रवण किया और कथा सुनाने से पहले जय ध्वनि दिया, बोल श्रीमद भागवतम की, बोल श्रीमद भागवतम कथा अमृतम की। स्वर्ग के जितने भी देवगण थे, स्वर्ग के जितने भी देवतागण थे, दुंदुवी शब्द शंख वादन किया, पुष्प वृष्टि किया, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है, पुष्प वृष्टि किया और सबके सब श्री भगवान के जयध्वनि देने लगे, भागवत जी के जयध्वनि देने लगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे वहाँ पे जयध्वनि देने लगे, कथा शुरू हुआ, धीरे धीरे जो ज्ञान और वैराग्य थे उनमें धीरे धीरे प्राण हुआ, धीरे 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 उनका शरीर हृष्ट पृष्ट हुआ और सबके हृदय में ये भक्ति देवी प्रतिज्ञा किया था ना, सबके हृदय में भक्ति देवी विराजमान कर गए। और जैसे ही सबके हृदय में भक्ति देवी विराजमान करते हैं, वहाँ पे साक्षात गोलोक से ठाकुर जी किशोरी जी के साथ वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। सरकार की जय। तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं और सारे के सारे भक्ति, चारों तरफ भक्ति भक्तिमय हो जाता है। और वहाँ पे देखो एक विचित्र घटना घटा, जो लोग कथा श्रवण कर रहे थे उनके लिए साक्षात रूप में रथ आया, लेकिन जो लोग कथा श्रवण नहीं कर रहे थे, जो पशु पक्षी थे, जो लोग केवल वहाँ पे बस प्रणाम भी कर लिया था, जयध्वनि भी दे दिया था, और यहाँ तक कि पशु पक्षी के लिए भी श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आ रहे कि पशु पक्षी के लिए भी स्वर्ग से अलग रूप में रथ आया। तो हम सब के लिए भी शायद गुरु जी बोल दें कि रथ आएगा कभी एक दिन, गुरु जी का वाणी है, पशु पक्षी के लिए भी रथ आया। तो यहाँ पे और एक बात है, ये ज्ञान और वैराग्य कौन है? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे गोस्वामी वर्गन है, बड़े सुंदर रूप में वर्णन कर रहे हैं। देखो ज्ञान और वैराग्य का क्या आवश्यक है और ज्ञान और वैराग्य भक्ति में क्यों वृद्ध हो गए। देखो वृंदावन में हर समय भक्ति ही चलता है, एक ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में ये नहीं टिकते, इसीलिए तो वहाँ पे जाके वृद्ध हो गए। तो बता रहे हैं ये ज्ञान और वैराग्य कौन है। भक्ति देवी पहले क्या बोले कि उत्पन्नाम द्राविड़े अहम, ये कौन से द्राविड़ की बात कर रहे हैं कि हृदय जब द्रवित हो जाता है, हृदय प्रवेश में जब किसी संत को देखने के बाद, किसी वैष्णव को देखने के बाद, गुरु कृपा प्राप्त करने के बाद, भगवती कृपा प्राप्त करने के बाद हृदय द्रवित हो जाता है, तब द्रविताम, तो उसी द्रविड़ प्रदेश में भक्ति देवी का शुभ आविर्भूत होता है। वहाँ पे शुभ भक्ति देवी क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। तो भक्ति देवी प्रकाशित तो हो जाते हैं, तो बढ़ेंगे कैसे? तो स्वयं बोल रहे हैं वृद्धि कर्नाटके गतम, मैं कैसे बढ़ा, मैं कर्नाटके बढ़ा। मतलब इसका अर्थ बता रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती, हम कान प्रदेश से बढ़ गया, मैं भक्ति तो हृदय में आ गया लेकिन कथा नहीं सुनोगे, भगवान के कीर्तन नहीं सुनोगे, भगवान के नाम नहीं सुनोगे, तो कैसे हृदय में वो भक्ति कैसे पोषण नहीं होगा। वृद्धि कर्नाटके कृतम, भक्ति तो हृदय में आ चुका है लेकिन जैसे जैसे कथा सुनने जाते हैं, कथा रुषि रसायन, भगवान के नाम रुषि रसायन, कीर्तन रूपी जो रसायन, जो मेडिसिन हृदय में जाता है, वो धीरे 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 भक्ति को और उत्साहित प्रदान कर देता है, भक्ति के बीज, भक्ति लता के बीज को हृदय में जागृत कर देता है। तो बोल रहे हैं वहाँ पे ज्ञान और वैराग्य, जो शुष्क ज्ञान होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान और जो साधारण जागतिक वैराग्य होता है, वो धीरे धीरे वहाँ पे वृद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान और वैराग्य क्या हुए, यहाँ पे तो कथा श्रवण करके बड़े सुंदर रूप धारण किए। बोल रहे हैं ये कौन सा ज्ञान है, बोले भगवत संबंधित ज्ञान है, भगवान के अनुभूति सहित ज्ञान है। देखो ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा ना तभी भक्ति नहीं हो सकता। बोले कैसे, भक्ति देवी तो कृपा कर लेते हैं,
ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के दो आंखें हैं। अगर कोई आंखें, कोई इंसान अगर सही है, उसका आंख खराब हो गया तो उसको अचानक से किसी न किसी रूप में कोई भी उसको ठग सकता है, किसी न परिस्थिति में उसको ठग सकता है। तो इसीलिए जो ज्ञान और वैराग्य क्या है ना, ये है भक्ति देवी के दो आंखें। तो भगवत संबंधित ज्ञान, ज्ञान यानी भगवत संबंधित ज्ञान, जब हृदय में ज्ञान रहेगा, गुरुवर को बोलते हैं जब हृदय में उसी प्रकार का ज्ञान रहेगा, जो इच्छा रहेगा, तभी तो हम कथा श्रवण करेंगे, और कथा श्रवण करेंगे तभी भी ज्ञान होगा। तो ये दोनों के दोनों परिपूरक है, मतलब ज्ञान होगा तब कथा श्रवण करोगे और कथा श्रवण से ही ज्ञान होगा। तो दोनों के दोनों भक्ति में पूरा पूरा नित्यता है। इसीलिए तो ज्ञान और वैराग्य का भक्ति में बड़ा आवश्यक है। ये सब बातें स्कंद पुराण में बता रहे हैं। टाइम हो गया, हम सोच रहे थे ऐसे ही गौर सुन रहे थे, टाइम हो गया। देखो आप लोग कोशिश करना, हम तो जितने ज्यादा से ज्यादा कथा सुन सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन तभी होगा, लेकिन जब थोड़ी से आगे आओ, पहले थोड़ा आओ, ठीक है ना। इसलिए कथा शुरू होते हो तो देखे हो गया 7 बजे को बाद में हम कथा सुने, अगर थोड़ी सी आगे आ जाएंगे, अगर एकदम 6:30 बजे अगर कथा हो तो फिर क्या होगा, सुबह 2.5 घंटा मिले कथा सुनने के लिए। इसलिए कल प्रार्थना है 1 भक्त 10 दोस्तों को लाने और थोड़ी सी जल्दी आने के लिए, ठीक है ना, थोड़ी सी जल्दी आने के लिए। अभी प्रभु जी एक भजन गाने की, उसके बाद में आप लोग फिर प्रसाद लेंगे कि सब लोग जाना है। तब पर प्रभु भोग लग रहा है और प्रसाद बन गया, बन गया ना प्रसाद, ठीक है। अभी एक भजन सुन करके आप लोग सब के सब एक बार खड़े हो जाओ। सो कथा में जितना नाचोगे ना, क्या होगा, भूख लगेगा, भूख लग गया तो एक प्रसाद खाएगा। खड़े हो जाओ सबके सब, ठाकुर का कीर्तन में नाच लो बढ़िया से और सबके सब प्रसाद लेकर जाओ। हमारे सुरेंद्र प्रभु जी कहाँ हैं, सुरेंद्र प्रभु जी, सुरेंद्र प्रभु ये चप्पल ये आरती आरती दिया
ले। Yeah.
बोल हमारे